अगर मैं कहूं कि स्केचअप प्रो का 1 साल का सब्सक्रिप्शन बहुत कम पैसे देकर लिया जा सकता है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? मुझे तो ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि बिना किसी टेंशन के, बिना किसी डर के, पूरे 1 साल तक स्केचअप प्रो को और उसके सारे फीचर्स को हम यूज़ कर सकेंगे, जिसमें सारे प्रो टूल्स, 3D वेयर हाउस, एक्सटेंशन वेयर हाउस और स्केचअप का लेटेस्ट वर्जन मिलेगा काम करने के लिए। और साथ में ये कन्वीनियंस भी मिलेगी कि चाहो तो स्केचअप वेब के ऊपर यूज कर लो, यानी ऑनलाइन बिना डाउनलोड करे, एप्लीकेशन बिना इंस्टॉल किए आप यूज करो, या फिर आप आईपैड के ऊपर यूज करो। लेआउट्स आपको यहाँ पे फ्री मिलेगा 1 साल के लिए। तो मैं बात कर रही हूँ 1 ईयर सब्सक्रिप्शन ऑफ स्केचअप फॉर हायर एजुकेशन। इस अपॉर्चुनिटी को कैसे अवेल करना है, मैं इसी के बारे में आज आपको बताने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शैली राजपूत, वेलकम टू डिजाइन गुरुदम। लेट्स बिगिन टूडेज वीडियो। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मैं आपको अपने स्क्रीन पर ले चलती हूँ। तो मेरे स्क्रीन पर यहाँ हम आ चुके हैं। सबसे पहले हम गूगल में सर्च करेंगे स्केचअप को और स्केचअप की वेबसाइट पर जाएंगे हम। यहाँ पर हमको प्लान्स के अंदर जाना है और सबसे नीचे यहाँ एजुकेशन का ऑप्शन है। इसमें देखेंगे हम तो हमारे पास कुछ 3-4 ऑप्शंस हैं और इसमें से हम फॉर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए स्केचअप फॉर हायर एजुकेशन का ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। क्लिक करोगे प्राइजिंग के ऊपर तो इस विंडो के ऊपर आप देख रहे हो कि स्टूडेंट्स के लिए $55 पर ईयर है, एजुकेटर्स के लिए भी सेम है और यूनिवर्सिटीज़ के लिए कुछ और फॉर्मेलिटीज़ हैं। और हायर एजुकेशन के सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको जो जो चीज़ें अवेलेबल होंगी स्केचअप की, वो यहाँ पे मेंशन्ड हैं। जैसे स्केचअप फॉर डेस्कटॉप आपको मिलेगा फुल फीचर्स के साथ में, स्केचअप फॉर वेब, स्केचअप फॉर आईपैड, सफेरा, प्री डिज़ाइन, 3D वेयर हाउस, एक्सटेंशन वेयर हाउस जो कि बहुत ज़रूरी होता है, रेविट इम्पोर्टर भी आपको मिल रहा है इसमें, और लेआउट का फीचर भी आपको मिल रहा है। कुछ जो क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरीके के हैं कि सब्सक्रिप्शन का टर्म कितना होगा, तो वो 1 साल का होता है। पेमेंट कौन कौन से एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पे वो भी बताया हुआ है। इन्फॉर्मेशन आपकी बिल्कुल सिक्योर्ड होती है, वो कहीं से भी लीक नहीं होती है। अपने सब्सक्रिप्शन को एक्सेस करने के लिए आप क्या करेंगे, आपका एक ट्रिम्बल पे आईडी बनेगा और जब जब आपका सब्सक्रिप्शन फाइनलाइज हो जाएगा तो आपके पास एक ईमेल आएगी ट्रिम्बल के ऊपर से और वहाँ से आपको जो है सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी टू लॉग इन एंड टू स्टार्ट योर सब्सक्रिप्शन। और यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट भी अवेलेबल है काफ़ी, जिसके अंदर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं वो आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को लेके ऑलरेडी मेरी वेबसाइट पर स्केचअप के मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि जो सिस्टम के अंदर होनी चाहिए फॉर यूजिंग स्केचअप एडवांस्ड, तो उसे आप एक बार देख सकते हो। मैं लिंक यहाँ पे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। अब हम यहाँ ये स्टूडेंट वाले ऑप्शन के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर जाने वाले हैं। तो यहाँ ये हमको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है विद अ स्केचअप पार्टनर। यहाँ पे आप सिटी, कंट्री और स्पेशलिटी इन सबको फिल करके भी लोकेट कर सकते हो। यहाँ पे 3 ऑप्शन मुझे मिल रहे हैं मेरी लोकेशन के हिसाब से, जिसमें से ऊपर के 2 तो डिस्ट्रीब्यूटर हैं और ये तीसरा नीचे वाला एजुकेशन पार्टनर है। इसकी वेब पेज को हम व्यू कर रहे हैं अब क्लिक करके। तो यहाँ पे ये स्केचअप फॉर एजुकेशन का पेज खुल गया है और यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है कि किस तरीके से आप लाइसेंस ले सकते हो, क्या कंडीशंस हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। जैसे मैं ये एजुकेटर को क्या रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में देख रही हूँ, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होंगी। यहाँ पे आप देखो तो विंडो पे सारी चीज़ें गिवन भी हैं विद आइकन्स कि आपको इस सब्सक्रिप्शन के साथ क्या क्या मिलेगा और कौन इस लाइसेंस को परचेज़ कर सकता है। टीचर या फैकल्टी परचेज़ कर सकते हैं और इसके लिए एक प्रूफ आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपका जो आईडी कार्ड होता है और अपॉइंटमेंट लेटर होता है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे प्रॉपरली गिवन है, जिसे आप गो थ्रू कर सकते हैं। वापस जाते हैं हम यहाँ से। अब हम स्टूडेंट का ऑप्शन भी देख लेते हैं। स्टूडेंट लाइसेंस के लिए हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट हमारी फुलफ़िल होनी चाहिए या एलिजिबिलिटी फुलफ़िल होनी चाहिए, इस पर क्लिक करते हैं रीड मोर पर। और यहाँ हम आ गए नेक्स्ट पेज पर। एज ए स्टूडेंट व्हाट यू विल गेट यहाँ पे पूरा मेंशन किया हुआ है और ये विंडो के ऊपर शो भी किया हुआ है। सारे आइकन्स स्केचअप के सारे जो एप्लीकेशंस हैं जो आपको इसके साथ मिलेंगे वो दिखाई दे रहे हैं हमको। एंड हु कैन परचेज स्टूडेंट लाइसेंस, इसके बारे में भी बताया है कि आप एनरोल्ड होने चाहिए किसी कॉलेज या स्कूल में या यूनिवर्सिटी में और उसका एक वैलिड आपका आईडी कार्ड या आपका अथोराइजेशन जो सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए, जो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप रीड कर सकते हो इसमें प्रॉपर्ली। और बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज में आपको
प्राइसिंग वगैरह यहाँ पे गिवन है और क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं वो अगेन यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। ऐसे ही जो एजुकेटर वाला ऑप्शन है, इसमें भी अगर आप बाय नाउ पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फॉर एजुकेटर कितना आपको पे करना पड़ेगा फॉर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको वो सारी चीज़ें मिल रही हैं वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पे इंस्ट्रक्टर इन्फॉर्मेशन फॉर्म भी आपको दिखाई देगा जिसे आपको फिल करना है। मैं यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देती हूँ फटाफट से। और यहाँ पे जो कमेंट वाला सेक्शन है, इसके अंदर आप चाहो तो कुछ डिस्क्रिप्शन लिख के भेज सकते हो, जो आपकी क्वेरी है या जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके बारे में आप बता सकते हो। और फिर उसके बाद आप देखोगे तो नीचे आपको ये ऑप्शन मिल रहा है कि स्टूडेंट आईडी के लिए जो प्रूफ ये मांग रहे हैं, तो उसके लिए आपको फाइल चूज़ करनी पड़ेगी कि जिससे कि प्रूव हो कि हाँ आप एनरोल्ड हो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। तो वो जो प्रूफ है वो आप यहाँ पे अपलोड करोगे और ये कैप्चा फिल करोगे। उसके बाद आप सारी इन्फॉर्मेशन को एक बार दोबारा से देख लेना और फिर सबमिट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका जो एप्लीकेशन है वो इनको मिल गया है और इसकी कंफर्मेशन में 48 आवर्स लगेंगे। तो इसके रिगार्डिंग आपको एक ईमेल भी आएगा, जो आपने यहाँ पे फॉर्म में फिल किया है उस ईमेल पे आपको एक ईमेल आएगा इनकी तरफ से। आप जाकर उसे चेक करिए और जिसकी क्लेरिफिकेशन या फर्दर असिस्टेंस आपको चाहिए तो यहाँ नंबर और ईमेल गिवन है, जिसको आप यूज़ करके फर्दर कोई क्वेरी है उसको सॉल्व कर सकते हो अपनी। और इसके बाद जब आपकी ये अप्रूवल आपको मिलेगा, सारी आपकी चेकिंग होगी, आईडी वगैरह चेक होगा और सब वैलिड निकला, तो आपके पास इनकी तरफ से एक ईमेल आएगा जिसमें ये मेंशन करेंगे कि इस तरीके से आपको पेमेंट करनी है और उसकी पेमेंट लिंक यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएगी और सेफ़ है ये बिल्कुल। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है और लिंक पे आप जाओगे क्लिक करके तो यहाँ पे अलग अलग वेज हैं जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, UPI। तो किसी भी मेथड से आप पेमेंट यहाँ पे करिए पहले। तो यहाँ ये पेमेंट हो रही है मेरी तरफ से और ये कंफर्म हो चुकी है पेमेंट। और इससे रिलेटेड आपके पास एक ईमेल भी आ जाएगा और यहाँ से भी नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। तो लगभग 48 आवर्स के बाद आपको एक ईमेल आएगी ट्रिम्बल की तरफ से, जो आपको अपने जीमेल अकाउंट पे जाके, जिस अकाउंट को आपने सेट किया है उसके ऊपर जाके आपको चेक करना है। इसके अंदर आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि यू हैव जस्ट बीन असाइंड अ सब्सक्रिप्शन टू स्केचअप स्टूडियो स्टूडेंट एनुअल टर्म कॉन्ट्रैक्ट बाय ये नाम। टू एक्सेस द प्रोडक्ट इन योर सब्सक्रिप्शन यू विल बी रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ ट्रिम्बल अकाउंट और लॉग इन विद योर एग्जिस्टिंग ट्रिम्बल अकाउंट, है ना। तो आपको यहाँ पे एक्सेस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको या तो साइन इन करना है विद गूगल, या फिर अगर आपका ऑलरेडी ट्रिम्बल पे अकाउंट क्रिएटेड है तो आप यहाँ पे यूज़र नेम डाल के और पासवर्ड डाल के लॉग इन कर सकते हो, या फिर आप अपना एक ट्रिम्बल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं साइन इन कर लेती हूँ। और यहाँ से आप अपनी प्लान की सेटिंग्स और प्रोडक्ट की सेटिंग्स और ये सब चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो स्टेटस करंटली एक्टिव है और ये एक्सपायरेशन डेट दे रखी है और मेरा प्लान क्या है ये यहाँ से पता लग रहा है, और यहाँ पे क्या क्या एप्लीकेशंस इंक्लूडेड हैं वो सब पता लग रहे हैं यहाँ पर। और माय प्रोडक्ट्स में अगर हम जाएंगे तो सेम चीज़ है, व्यू इंक्लूडेड एप्लीकेशंस में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। हम डाउनलोड पर जा सकते हैं यहाँ पर और यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं हमें कौन सा प्रोडक्ट यहाँ से डाउनलोड करना है। जैसे ये यहाँ पे विंडोज़ बेस्ड है मेरा लैपटॉप, तो यहाँ पे स्केचअप 2024 में डाउनलोड करूँगी। अगर मैक ओएस है तो आप ये वाला ऑप्शन ले सकते हो। तो यहाँ से इसको डाउनलोड करते हैं सबसे पहले। और भी वर्जन्स हैं जिन्हें आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, वापस से जाके देखते हैं जब तक डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पे आप देखो कि और भी बहुत सारी और चीज़ें भी हैं, जैसे स्केचअप फॉर आईपैड, वो भी मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगी। वो भी मैंने ऑलरेडी अपने आईपैड पे इंस्टॉल किया हुआ है लॉग इन करके। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे exe फाइल डाउनलोड हो गई है, इस पर क्लिक करते हैं हम। अब यहाँ पे ये इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है, इसको हम मिनिमाइज़ कर देते हैं एक बार को और यहाँ पे हम इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस में है,
तो यहाँ पे देखो स्केचअप 2024 हमारे पे इंस्टॉल हो चुका है और उसके आइकन हमारे डेस्कटॉप पर भी दिखाई दे रहे हैं। फिनिश पे क्लिक करते हैं हम और यहाँ से इसको लॉन्च करके देखते हैं एक बार। यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनको आप अच्छे से रीड करेंगे और अग्री करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको साइन इन करना पड़ेगा एक बार। और यहाँ पे आपको यहाँ इंफॉर्मेशन आ रही है कि यू आर साइंड इन टू ऑल थिंग्स स्केचअप। और यहाँ पे आप चाहो तो एक बार इंटरफेस को टूर कर सकते हो और या फिर आप स्टार्ट मॉडलिंग पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपके टेम्पलेट्स हैं जिनको आप यूज़ करके फाइल को न्यू ड्राइंग को ओपन कर सकते हो और ये इसका बेसिक इंटरफेस है जिसमें हम बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। इसके आगे के ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी जो टूल्स हैं उनको यूज़ करने का क्या मेथड होता है वो ऑलरेडी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, वो चेक कर लेना एक बार। तो देखा आपने कितने इजीली यहाँ पर हमने 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करा लिया है अपने लिए, और वो भी इतने नॉमिनल से रेट पर। और जिसके अंदर आप देख रहे हो, मैं अभी अपने आईपैड पे आपको यूज़ करके दिखा रही हूँ, और कितने अमेजिंग इसके फीचर्स हैं। और बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन पे आप यहाँ पे काम कर रहे हो, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने कितनी सारी चीज़ें वेयर हाउस से उठाकर यूज़ करी हुई हैं इसके अंदर। तो मुझे लगता है आज का काफ़ी अच्छा सेशन रहा, और इस फैसिलिटी को आप ज़रूर अवेल करना चाहोगे, और इस नए वाले वर्जन पे विद ऑल द न्यू फीचर्स और ऑल द अवेलेबल प्रो टूल्स आप इसको एक्सप्लोर करोगे इस सॉफ्टवेयर को, और कुछ बहुत ही अमेजिंग सा क्रिएट करोगे इस सॉफ्टवेयर के अंदर। क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट्स बहुत लिमिटेड सा फील करते हैं जब वो किसी पुराने वर्जन पे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि नया वर्जन अवेलेबल ही नहीं होता उनको। मगर अब विद दिस सिचुएशन, विद दिस अपॉर्चुनिटी, आप बहुत ही अच्छे से अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो और मास्टरी कर सकते हो 3D मॉडलिंग के अंदर। तो फिर वेट मत करो, देर मत करो, इस फैसिलिटी को अवेल करो। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बोलो, मुझसे पूछो, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी। और हो सकता है कि मैं सब्सक्रिप्शन को एक्टिवेट कराने में भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो प्लीज़ ज़रूर लिखो मुझे जो भी आपकी सिचुएशन है। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक का बटन प्रेस करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। बहुत सारे वीडियोस हैं 3D मॉडलिंग के, बहुत सारे एप्लीकेशंस के ऊपर, कैसे 3D मॉडलिंग की जाती है, इससे रिलेटेड बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं। तो ज़रूर चेक करना, एंड कीप वॉचिंग डिज़ाइन गोरिदम। बाय बाय।